हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल एटम नंबर ऑफ एनाइंस मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑप्शन ए प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, या नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, SCN नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, या C2O4 नेगेटिव। ऑप्शन ई 1 and 3, 1 and 2, या 1 and 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज 1 and 3। SCN नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव आर द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चार्ज एक्स एंड वाई ऑन द फॉलोइंग आइंस आर CONH3, Cl4X, या FeCN6Y। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3 एंड Fe इज द +2 इन द रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स। X इज इक्वल्स टू +1, Y इज इक्वल्स टू -1, या ऑप्शन बी X इज इक्वल्स टू -1, या Y इज इक्वल्स टू +3। X इज इक्वल्स टू -1 एंड Y इज इक्वल्स टू -4। X इज इक्वल्स टू -2 एंड Y इज इक्वल्स टू -3। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन जो है वो कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है, +2। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 3 + 2 × 0, यहाँ से ले लो ये, एंड प्लस इंटू 4 × 1 इज इक्वल्स टू कितना आता है, ये -1 आती है। दैट इज एक्स कितना है, -1। एक्स जो है वो कितना आता है, -1। एंड Fe यहाँ पे है FeCN6Y। तो देखो, ये जो CN है, CN एक्ट करता है एज अ लीगेंड, काम करेगा ये, और ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है। Fe जो है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आ जाता है ये, और CN एक्ट एज अ लीगेंड। Fe सेंट्रल मेटल एटम मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, जो साइनाइड लीगेंड्स से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ लीगेंड्स होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। Fe जो है ये डी ब्लॉक में आता है, ठीक है, डी ब्लॉक में आता है। सेंट्रल मेटल एटम को लीगेंड्स बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 आ जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 + 6 × -1, तो कितना आ जाता है, -4। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्स इज इक्वल्स टू -1 and Y is equals to -4 is the right answer. Next question is, identify the correct naming for K3FeCN6. Tri potassium hexacyanoferrate या potassium hexacyanoferrate, C tri potassium hexacyanoferrate या potassium hexacyanoferrate. The right answer is option D, potassium hexacyanoferrate. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोर एटम आयन इज ऑल्सो नोन एज लुइस बेस, लुइस एसिड, ब्रॉन्स्टर लॉरी एसिड, या नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉरी ब्रॉन्स्टर लुइस एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लुइस एसिड। नेक्स्ट वन इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स हैज़ द हाइएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, कोबाल्ट, H2O,
एफ नेगेटिव या एस टू नेगेटिव. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोबाल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डोनर एटम्स कैन ई डी टी ए फोर नेगेटिव लिगेंड्स बाइंड थ्रू. ई डी टी ए जो है ये क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट. और यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास क्या है, कितने डोनर एटम यहाँ पे बात की गई है, टोटल 6 डोनर एटम आते हैं. राइट आंसर इज द 6. मतलब कि ये क्या होता है, हेक्सा ई डी टी ए फोर जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं. और यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आता है, CH2 CH2 N, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, ये N आता है लोन पेयर यहाँ पे ये. और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है CH2 CO O negative, CH2 COO negative. और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, CH2 COO negative, CH2 COO negative. मतलब कि यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 6 डोनर साइट्स हैं, 1 2 3 4 5 and 6. तो टोटल जो है वो डोनर 6 डोनर साइट्स आ जाती हैं इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट के. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ लिगेंड्स, Ni2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H2O या NH3. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Ni2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव जो है ये लिगेंड्स नहीं होता है. द SCN आयंस इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ट्रू और फॉल्स. SCN आयंस इज़ अ यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ये हमने पहले भी अभी कहा थोड़ी देर पहले. यूनिडेंटेट लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी कहा जाता है. और ये SCN नेगेटिव, मतलब इसको यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्यों बोला गया है, क्योंकि SCN जो है दैट कैन आइदर बॉन्ड थ्रू S और N एटम्स टू द सेंट्रल atoms, right? Next question is a protein can exist in a coordination entity as a ligands, true or false. Protein, first of all, protein is a macromolecules that consist of atoms that may donate electrons to the metal ions to form a coordinate bond. और ये जो protein, ये जो है इसका right answer आता है option A, true. मीन्स ये एक्ट करता है एज अ लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिगेंड्स ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट. नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr C2O4 3. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6. ठीक है, राइट ऑप्शन ये आता है. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके पास क्या होते हैं, 3 ऑक्सिलेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं सेंट्रल आयंस के साथ. और ऑक्सिलेट जो होते हैं ये डाइडेंटेट लिगेंड एक्ट करता है. टोटल इसके पास भी डोनर 6 डोनर एटम्स होते हैं विच डायरेक्टली बॉन्डेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज द मैग्नीशियम, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, क्लोरोफिल. बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या रेजोनेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लिगेंड्स आर ऑलवेज एक्सेप्ट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लास्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज
मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स. डेंटिसिटी क्या होती है, देखो जो लिगेंड्स हैं उसमें कितनी साइट्स हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स. और इसका एग्जाम्पल रहता है ऑक्सलेट. सो थैंक यू सो मच.